हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ एक कॉर्पोरेट एक्शन हाल ही में अनाउंस हुआ था, जाइडस लाइफ साइंसेज, जिसका पहले नाम कैडिला हेल्थ केयर था, उनकी तरफ से। एंड स्टॉक की डिटेल्स आज कुछ नई निकल के आ रही है। स्टॉक में कौन से प्राइस पे बायबैक होगा ये तो आप सभी को पता था, लेकिन कहीं ना कहीं कब होगा इसकी डेट निकल के आ रही है। बायबैक का प्राइस क्या है, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस स्टॉक में, और अगर आप फ्रेश एंट्री लेंगे तो क्या आप बायबैक के लिए एलिजिबल है, इन सब के लिए बात करूंगा। बायबैक का प्राइस कंपनी ने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव रखा है, बहुत हायर लेवल्स पर, अराउंड 80% प्रीमियम पे बायबैक कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है आप सभी को। तो चलिए एक एक करके सारी डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं आज की इस वीडियो में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो गाइज, बायबैक के बारे में आप सभी के साथ डिटेल में बात करने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज देखनी होगी, वो है कंपनी का मार्केट कैप। अगर कंपनी का मार्केट कैप देखो, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आपका हो गया, ये बायबैक से क्या रिलेट करता है, इससे ये फर्क पड़ता है कि बायबैक किस रेशो में हो रहा है। यानी 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है और बायबैक आपको कोई छोटा मोटा है तो कोई फायदा नहीं है, केवल और केवल एक तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है, लोगों को केवल और केवल फंसाने के लिए है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, अब हमने मार्केट कैप देख लिया, अभी हम देखना चाहते हैं कि कंपनी किस कितने रुपए का बायबैक कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप क्या है, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और कंपनी कर कितने रुपए का बायबैक रही है इसका देखूं तो कंपनी ऑफर्स टू बायबैक 7.5 बिलियन रुपीज ऑफ शेयर्स, यानी 7.5 बिलियन रुपीज, यानी कि आप कह सकते हैं 750 करोड़। अब 36,000 करोड़ का मार्केट कैप के सामने आप सभी देख रहे हैं 750 करोड़ का मार्केट कैप, 750 करोड़ का बायबैक है, तो लगभग 2% के करीब का कहीं ना कहीं बायबैक आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो ये मेरे हिसाब से ठीक ठाक बायबैक है और ज्यादा कोई खास भी नहीं है, लेकिन बायबैक का जो प्राइस है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे। अभी मैं आप सभी के साथ बायबैक का जो प्राइस है वो शेयर करने जा रहा हूं। कंपनी देखिए ऑलरेडी 74.88% होल्ड करती है स्टेक, एंड और बायबैक कर रही है तो और ज्यादा स्टॉक होंगे, ऑलमोस्ट 75% के पार पहुंचती हुई दिखेगी। इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न तो काफी शानदार है, 75% के लगभग कंपनी प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, FIIs 2.53%, DII म्यूचुअल फंड्स 12.78% एंड रिटेल इन्वेस्टर मात्र 9.81% होल्ड करते हैं, और वो कम रह जाएगा बायबैक के बाद। स्टॉक का प्राइस 354 रुपीज के लेवल्स पे अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को, और बायबैक का प्राइस आपके सुन के हो जाएंगे कान खड़े, 650 रुपए पे बायबैक कर रही है कंपनी, 650, यानी ऑलमोस्ट डबल मान लीजिए आप स्टॉक यहां से, तो भाई ये तो धमाका है। अब बायबैक का रेशियो क्या है, कितने रेशियो में कितने शेयर आप बायबैक के लिए बिड लगा सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स दूं मैं आप सभी के साथ। तो मैं आप सभी के साथ जो चीजें शेयर करने वाला हूं वो है बायबैक की डेट आई है मेरे पास। अब जो डेट कंपनी ने अनाउंस करी है वो मैं आप सभी के साथ बता रहा हूं। बायबैक ऑफर विल कमेंस ऑन 23rd June एंड क्लोज ऑन 6th July। अब देखिए 23 June यानी कि इसी 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा बायबैक, एंड ये कब तक चलेगा, 6th July तक, 6 जुलाई तक बायबैक कंपनी 650 रुपए के भाव पर करेगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे, और मुझे लगता है जिसके पास स्टॉक है उसे कहीं ना कहीं बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कैसे करते हैं उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। शॉर्ट में बताना चाहूं तो ये जैसे आप आईपीओ के लिए बिड लगाने जाते हैं वैसे ही आपको उसी एप्लीकेशन को खोलना होगा, एंड वहां जाके दिखेगा आपको जाइडस लाइसेंस, वहां पे आपको अपने स्टॉक बिड लगानी होगी, ठीक है। चलिए 354, अब बात करते हैं अगर आप फ्रेश एंट्री लेते हैं तो क्या आप बायबैक के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, अगर आप फ्रेश एंट्री लेते हैं तो भी आप शेयर होल्डर हैं, जो भी शेयर होल्डर है वो बायबैक के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इसके बारे में बात करने जा रहा हूं मैं आप सभी के साथ। देखिए चार्ट पे अगर स्टॉक देखें तो स्टॉक एक सपोर्ट मान रहा है नीचे के लेवल्स पे, जो कि अराउंड काफी ही ज्यादा नीचे है, 330 के आसपास सपोर्ट मान रहा है स्टॉक, एंड वहां से घूमता है स्टॉक, 354 पे ट्रेड कर रहा है अभी। मुझे लगता है जिसके पास है वो तो होल्ड करे, बट फ्रेश एंट्री के लिए
आपको थोड़ा डिप मिले 340 के अराउंड तो वहां खरीदारी करने की सलाह होगी। एज ऑफ नाउ अभी आपको फ्रेश एंट्री तो नहीं लेनी चाहिए इस स्टॉक में, बट बायबैक के चलते स्टॉक में बाइंग पार्टिसिपेशन बन सकता है एंड मुझे लगता है आपको पोजीशन जिस पे है वो तो मेंटेन करें एंड बायबैक में पार्टिसिपेट जरूर करें। तो ये मेरी वीडियो Zydus Lifesciences स्टॉक को लेकर, होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। पसंद भी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।